अब आपको समझ आना चाहिए कि ओएस क्या है और कितना महत्व है उसका। और वो ओएस, उसके बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर बेस्ड टास्क को पूरा करने के लिए हो बनाया जाता है, दैट परफॉर्म्स द यूजर बेस्ड टास्क। तो ये हमने कल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वो कर दिया था कंप्लीट लगभग। आज हमारा है उसी में सॉफ्टवेयर की ही कैटेगरी में स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, जैसा कल हमने बताया था स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में, स्क्रीन रीडर की कैटेगरी में कौन कौन सा आता है, तो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है। और इसमें ब्रेल ट्रांसलेशन है, और उसके बाद में एक मैं भूल रहा हूँ, हाँ मैग्निफिकेशन और डीजी, हाँ ये चार टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल काम आएंगे। तो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर जैसा कि हमने कल बताया था, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तहत आता है, राइट? क्योंकि ये क्या कर रहा है, यूजर के स्पेसिफिक नीड को पूरा कर रहा है। मींस जो विजुअली इम्पेयर्ड है या कोई भी पर्सन है जो देख नहीं पा रहा है या कम दिखाई दे रहा है, और अगर वो सुन के काम करना चाहे तो उसी कंप्यूटर को स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर से यूज कर सकता है, उसके माध्यम से सुन के यूज कर सकता है। तो ऐसे में हमारा ये केवल ये टास्क परफॉर्म कर रहा है कि हमें स्क्रीन पर जो भी है उसको पढ़ के सुना रहा है, उसको बोल के सुना रहा है ना, यही काम कर रहा है। तो एक ही काम है इसका कि जो भी स्क्रीन में है उसको अनाउंस करके बताना, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का। तो ये यूजर बेस्ड टास्क है, मशीन को नहीं हैंडल करता, ये यूजर को हैंडल कर रहा है। तो इसमें देखिए, इसमें आपको समझने वाली बात ये है कि आप देखोगे जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर, हम अब की बात करें तो अगर विंडो में बात करें तो पॉपुलर जो है, वैसे तो बहुत सारे आप ढूंढोगे बहुत सारे मिलेंगे, कुछ बंद भी हो गए हैं, पॉपुलर में जॉज और एनवीडीए, ये तो है। जॉज मीन्स जॉब एक्सेस विद स्पीच, JAWS, जॉज, जॉब एक्सेस विद स्पीच। और दूसरा है एनवीडीए, नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस, है ना, ये विंडो में है। और अगर हम एंड्रॉइड फोन की बात करें, जो बाय डिफॉल्ट उसमें होता है वो है टॉक बैक। देखिए और कंपनी भी देती है अपना, कई बार होता है साइन प्लस भी, कई बार पहले यूज करते थे चाइनीज वाले, आप लोग अब यूज करना शायद बंद कर देंगे जब से वो प्रॉब्लम आई है। और इसके अलावा अगर हम आईओएस की बात करें तो वहाँ वॉइस ओवर उसमें डिफॉल्ट होता है। मैं हमेशा डिफॉल्ट स्क्रीन रीडर को ही यूज करना पसंद करता हूँ क्योंकि डिफॉल्ट स्क्रीन रीडर उसके अनुसार बनाया जाता है। हो सकता है दूसरे स्क्रीन रीडर, कई बार कमेंट्री स्क्रीन रीडर इस तरह के बहुत सारे यूज करते हैं, ज्यादातर ये चाइनीज ब्रांड ही है। स्क्रीन रीडर को हमेशा हमें एक उसका नुकसान ये हो सकता है स्क्रीन रीडिंग यूज करने का, अगर आपने ध्यान से यूज नहीं किया या जो मर्जी आए वो यूज किया, क्योंकि करता क्या है, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर हमारे मोबाइल को पूरी तरह से कैप्चर करता है। अब जो भी चीज हम टाइप कर रहे हैं वो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर उसको कैप्चर करके तब पढ़ के सुनाता है ना। क्योंकि हमारे जो सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए आप कोई बैंक का पासवर्ड डाल रहे हो, तो बैंक का पासवर्ड तो आप नेट बैंकिंग की जो भी वेबसाइट है उसमें डाल रहे हो, लेकिन हम उसी में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में कौन है, बीच में जो है स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है जिसने पूरा मोबाइल को कैप्चर करके रखा हुआ है, और हम जो टाइप करेंगे तो वो उसमें भी जाएगा, उसके मेमोरी जो बफर मेमोरी होता है उसमें भी जाएगा। तो अब होगा क्या, ये हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन अगर कोई वायरस वायरस के रूप में या उसमें ऐसा सिस्टम बना दिया जाए तो वो इन्फॉर्मेशन अपने गेटवे में भेज दे, हमारा जो भी हम टाइप कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन कोई स्पेसिफिक गेटवे, जैसा मान लो चाइना का है तो चाइना अपने गेटवे में वो इन्फॉर्मेशन भेज दे, क्योंकि हम ऑनलाइन ही तो नेट बैंकिंग का यूज करेंगे, ऑनलाइन उस समय भेज सकते हैं। तो ये सब नुकसान हो सकता है, इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जो डिफॉल्ट हैं ज्यादा लग्जरियस के चक्कर में ना रहे, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से,
बाकी तो आपकी मर्जी है, लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा लग्जरियस में ना रहें, क्योंकि जो डिफॉल्ट है वो भी इतने खराब नहीं है, मतलब बहुत अच्छे हैं, मैं तो उसी का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ तक कि TTS भी मैं गूगल डिफॉल्ट ही यूज करता हूँ जो गूगल ने दिया हुआ है। तो पता नहीं कई लोग हो सकता एलिक्वेंस है तो एलिक्वेंस उससे अच्छा बोलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एलिक्वेंस में वैसे स्पाई स्पाई की कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलिक्वेंस अच्छी कंपनी है। लेकिन कई लोग यूज करते हैं, चाइनीज वाले साइन प्लस यूज करते थे, कॉमेंट्री रीडर, बहुत सारी चीज यूज करते हैं, तो उसमें ऐसा संभावना हो सकता है, हमें पता नहीं चलता। वो साइबर सिक्योरिटी वाले हैं, आपने देखा होगा कई चाइनीज ऐप बैन कर दिया गया। बैन इसलिए भी कर दिया गया क्योंकि उसमें सिक्योरिटी रीजन थे, सिक्योरिटी प्रॉब्लम थे, और वो सारा डेटा जो है अपने जो हमारे अपने जो सर्वर है वहां ले जाता है, उसमें पहले से लिख दिया जाता है, प्रोटोकॉल बना दिया जाता है उसमें। तो इसलिए आप लोग सॉफ्टवेयर जो भी यूज करें ध्यान से यूज करें और ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर ही यूज करें। प्ले स्टोर ने भी कई चाइनीज ऐप को, आज ही मैं न्यूज में पढ़ रहा था, कई चाइनीज ऐप को जो है उन्होंने डिलीट कर दिया है अपने वहां से। तो ये सब चीजें हैं, तो ध्यान दें आप स्क्रीन रीडिंग यूजर के लिए। अब देखिए स्क्रीन रीडिंग के बारे में यह है कि जो भी स्क्रीन रीडर है, आप देखोगे अगर आप NVIDIA को चलाओगे या जॉस को चलाओगे तो उसमें उसमें जो है आवाज अलग अलग हो सकती है ना। तो ये आवाज देने का काम कौन करता है? TTS, टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच TTS ये करता है। तो स्क्रीन रीडिंग तो केवल जो स्क्रीन जॉज है या NVIDIA है या टॉकबैक है या वॉइस ओवर है, ये सब क्या करता है? ये सब तो मैनेज करने का काम करता है, कमांड एक्सेप्ट करता है और कितना बोलना है वो बताता है। लेकिन एक्चुअल में जो टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको वॉइस में कन्वर्ट करने का काम जो है वो TTS करता है, टेक्स्ट टू स्पीच। TTS क्या है? TTS भी एक सॉफ्टवेयर है, जैसा जॉज एक सॉफ्टवेयर है उसी प्रकार से TTS भी सॉफ्टवेयर है, टेक्स्ट टू स्पीच। उसका काम टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना होता है। जैसा आपने सुना होगा एलिक्वेंस, एलिक्वेंस जॉस के साथ बाय डिफॉल्ट आता है ना, और ई स्पीक जो NVIDIA के साथ बाय डिफॉल्ट आता है, ई स्पीक वोकलाइजर लाइसेंस आपने सुना होगा। अब तो ये क्या होता है, टेक्स्ट को आवाज में कन्वर्ट करता है, और कितना कहां तक करना है, कितना बोलना है वो मैनेज करने का काम कौन करता है? वो करता है स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, चाहे कोई भी हो। तो ये दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। कई बार ये बोला जाएगा कि भाई अगर TTS नहीं है तो क्या स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर चलेगा? तो कई लोग बोल सकते हैं नहीं, है ना। अगर कोई हाँ भी बोलेगा तो उसका रीजन शायद पता हो ना हो। देखिए टेक्स्ट टू स्पीच नहीं है तब भी जो है हमारा स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर चलेगा, बिल्कुल चलेगा, अपना काम करेगा। बट जो मेन काम है आवाज देने का, वो काम नहीं हो पाएगा अगर TTS नहीं है। तो TTS चेंज होने से या TTS पर दो बातें मुख्य रूप से निर्भर करता है। एक तो उसका साउंड आपका चेंज हो जाता है उसके अनुसार, और दूसरा जो हमारा दूसरा है कि उसकी एफिशिएंसी में भी अंतर आता है, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी में बढ़ा देता है। जैसा फॉर एग्जांपल आप देखोगे जॉज है, जॉज में अगर एलिक्वेंस हम डाल देते हैं तो हिंदी नहीं पढ़ता एलिक्वेंस TTS। जॉज में वो कैपेबिलिटी है कि वो हिंदी को डील कर सके, लेकिन जो TTS लगा है जिसको टेक करना है उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो कोई हिंदी के टेक्स्ट को समझ के वो स्पीच में कन्वर्ट करे, वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो बोल देते हैं भाई जॉज हिंदी नहीं पढ़ सकता। लेकिन अगर उसी में वोकलाइजर या नील, आजकल जो TTS आ रहा है नील या वोकलाइजर TTS या लेखा जो आप बोलते हो, ये सब अगर उसमें इंस्टॉल करके उसमें एक्टिवेट कर दिया जाए जॉज के अंदर, तो वही जॉज जो पहले एलिक्वेंस के कारण हिंदी नहीं पढ़ पा रहा था, अब जो है वो हिंदी आसानी से पढ़ पाएगा, और आवाज भी आप देखोगे चेंज हो चुका होगा।
है ना। तो देखिए जॉ अब वो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ पाएगा, तो जॉर्ज की एफिशिएंसी में भी वृद्धि हो गई। पहले वो हिंदी नहीं पढ़ पा रहा था, अब हिंदी पढ़ पा रहा है। तो टीटीएच चेंज करने से साउंड या आवाज में तो परिवर्तन होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ उसकी एफिशिएंसी में भी चेंज हो सकता है। अभी आपने देखा होगा जैसे सक्षम से वो आप सुनते होंगे इंडो एनबीडीए, है ना, इंडो एनबीडीए। तो इंडो एनबीडीए क्या है? इंडो एनबीडीए एनबीडीए ही है, वही नॉर्मल एनबीडीए है, बस उसमें वो कुछ टीटीएस दे देते हैं। जो आप 4,000 के करीब खर्च करते हो, अगर कोई करता है, तो आपको अच्छे टीटीएस मिल जाते हैं, जिसमें एलिक्वेंस भी है और वोकलाइजर भी है, लेखा वगैरह वगैरह जो भी है, संगीता है, तो थोड़ा अच्छा आवाज आता है, अच्छी सुनाई में देता है, और पढ़ने की जो क्षमता है उनकी अच्छी होती है, कन्वर्ट करने की क्षमता अच्छी होती है, ये सब चीजें हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देना है टीटीएस, या जिसको सिंथेसाइजर भी बोलते हैं कभी कभार, और साथ ही साथ दूसरा क्या होगा, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, है ना, एनबीडीए जॉ जो भी है। तो ये छोटी सी जानकारी था स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए एनवीडीए में अगर आपको कभी वॉइस चेंज करना हो, कई लोग एनवीडीए यूज कर रहे हैं, तो जो सिंपल वर्क करते हैं, वर्ड एक्सेल जो भी करते हैं, उसमें एनवीडीए काफी है। हमारे भी जो है लगभग सारे कोर्स में एनवीडीए ही चलते हैं। तो एनवीडीए में आप अगर सिंथेसाइजर चेंज करने हो, तो आप कंट्रोल आप जो है इंसर्ट कंट्रोल एस कर सकते हो, और वहां पर एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और वहां पर फिर अप एंड डाउन से आप ले सकते हो। जो आप सिंथेसाइजर के अंदर वॉइस अगर आता है, तो आप इंसर्ट कंट्रोल वी करके वॉइस में जा सकते हो और वहां से वॉइस चेंज कर सकते हो। तो ये सब कुछ कमांड है, क्योंकि आपके पास अभी है नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ से के बाद आपको बता रहा हूँ, आप कौन कितना यूज कर रहा हो बात की बात है। इसी प्रकार से जॉज के भी आपने सिंथेसाइजर, इसी प्रकार से आप जॉज भी यूज कर सकते। टीटीएस का फुल फॉर्म होता है टेक्स्ट टू स्पीच, है ना, टेक्स्ट टू स्पीच। तो ये इसमें जो है एनबीडीए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो nvaccess.org, www.nvaccess.org, यहां से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, और जॉस फ्रीडम साइंटिफिक से डाउनलोड किया जा सकता है। और जॉस का भारत में एक ही, भारत क्या पूरे लगभग साउथ ईस्ट एशिया में, श्रीलंका नेपाल इन सब में एक ही डीलर है, वो है राम अग्रवाल, जो मुंबई में है, करिश्मा एंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं। अब जो है इसके बाद, ये स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर था, चाहे कोई भी हो, टॉकबैक हो या कोई भी हो, इन सब की जो कॉन्सेप्ट यही है, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट यही है कि उसमें स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर और साथ में साथ टीटीएस उसमें अटैच होता है। टीटीएस नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता, चल सकता है, लेकिन जो हमारा मकसद है बोलने का, वो काम नहीं करेगा। मैं गूगल गूगल का जो है गूगल, आपको बता दूं कि कई लोग हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हिंदी नहीं आता है कईयों में, तो आप क्या करोगे, गूगल टीटीएस में जाओगे एंड्रॉइड में, और वहां पर राइट साइड में सेटिंग आता है, गूगल टीटीएस को एक्टिवेट करोगे, फिर उसके सेटिंग में जब जाओगे, तो वहां आता है इंस्टॉल वॉइसेस। इंस्टॉल वॉइसेस जाओगे तो वहां पर बहुत सारे लैंग्वेज आएंगे, किस कौन सा लैंग्वेज का वॉइस इंस्टॉल करना है, तो वहां से आप जो जो है उनमें से कोई भी वॉइस इंस्टॉल कर सकते हो। जैसा कि अगर आपको हिंदी हिंदी करना है, तो हिंदी में क्लिक कीजिए, तो हिंदी वॉइस इंस्टॉल होने लग जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, वो अपने आप ही इंस्टॉल करेगा, लेकिन ध्यान देना है कि इमीडिएटली इंस्टॉल नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, आपकी नेट की कितनी स्पीड है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो ये आपको प्ले स्टोर में भी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई लोग परेशान रहते हैं, इसलिए मैंने इसको स्पेसिफिकली बोल दिया है, बता दिया आपको। तो उसके बाद जो है आपका टीटीएस हिंदी पढ़ने लगेगा इंग्लिश के साथ साथ। दूसरी बात आप देखिए, इस टॉपिक को मैं बार बार भूल जा रहा हूं,
देखिए मैग्निफिकेशन सॉफ्टवेयर, मैग्निफिकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में तो हम काफी उस दिन चर्चा कर चुके हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक स्क्रीन मैग्निफिकेशन, दूसरा ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता है। कुछ मुख्य पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं मैग्निफिकेशन के, जो फीचर्स होते, सॉफ्टवेयर के फीचर होते हैं, वो चाहे वो स्क्रीन मैग्निफिकेशन हो या फिर ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन हो, उसमें जो है एक तो कितना किस कितने एक्स तक उसको लार्ज करना है, यानी कि 2x, 3x, x मीन्स टाइम, कितने टाइम तक लार्ज करना है। तो वो प्रत्येक डिवाइस के अपने अपने होते हैं सॉफ्टवेयर में। तो पहली बात तो ये है कि कितने एक्स तक मैग्नीफाइंग होगा, ये आपको जानना जरूरी है। उसमें फ्रीज करने की, इमेज को फ्रीज करने की टेक्निक होती है। और तीसरी बात यह है कि कॉन्ट्रास्ट, है ना, कलर कॉन्ट्रास्ट का भी एक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कई कई लोबिजन ऐसे होते हैं जो अलग कई जो कलर कॉन्ट्रास्ट होता है, कई जो कई प्रकार के जो कलर है उसमें उनको प्रॉब्लम होती है। तो उसमें अलग अलग कलर कॉन्ट्रास्ट दिया होता है। कलर कॉन्ट्रास्ट में बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, जैसा ब्लैक बैकग्राउंड है तो व्हाइट से लिखा होगा, व्हाइट बैकग्राउंड है तो ब्लैक से लिखा होगा, है ना, या ब्लू बैकग्राउंड है तो येलो से भी लिखा हो सकता है, व्हाइट से भी लिखा हो सकता है, इस तरह के होते हैं। कुछ मैग्नीफाइंग में आजकल जो है स्पीच, जैसा मैजिक है तो मैजिक में स्पीच की सुविधा भी दी गई है। तो ये सब कुछ मुख्य बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे आज इसको लिए बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत है, क्योंकि हमने मैग्निफिकेशन के बारे में पहले ही कवर कर चुके हैं, है ना। इसके बाद में हम देखें ब्रेल ट्रांसलेशन का जो है, हाँ, ब्रेल ट्रांसलेशन है तो क्या होता है कि भाई इसके लिए हम मुख्य रूप से, जब भी हम ब्रेल ट्रांसलेशन के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो टेक्स्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट होना चाहिए, इमेज में नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है, जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं ब्रेल ट्रांस, आज हार्डवेयर की बात नहीं चल रहा है, आज सॉफ्टवेयर की बात चल रही है। तो जितने भी ब्रेल ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो इंडेक्स का हो, चाहे वो डक्सबरी हो या कोई और भी हो, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। तो वो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसमें जब भी आप कोई भी, आपको ब्रेल ट्रांसलेशन के लिए देना है, उसको ब्रेल में ट्रांसलेट करने के लिए देना है ताकि प्रिंट आउट निकाल सके, तो उसके लिए ई टेक्स्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट में होना आवश्यक है। अगर इमेज में है तो फिर पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आप OCR टेक्नोलॉजी का आपको हेल्प लेना पड़ेगा, है ना। OCR टेक्नोलॉजी हमने पहले पढ़ चुके हैं, सॉफ्टवेयर जो है। तो अब वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल ड्राइव में जाइए। एक आसान तरीका बता देता हूँ आपको मैं, अगर मान लीजिए आपके पास इमेज में कोई फाइल है, उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट बनाना है, ई टेक्स्ट बनाना है किसी भी कारण से, तो आपके पास अगर अभी OCR सॉफ्टवेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप सीधे सीधे सिंपल वे में, बहुत ही बिना किसी इंस्टॉलेशन के, आप गूगल ड्राइव में जाइए, उसको आप अपलोड कर दीजिए गूगल ड्राइव में, राइट। गूगल ड्राइव में जब अपलोड कर दोगे उसे, तो उसके ऊपर जाकर फाइल के, जो फाइल है आपकी, उसके ऊपर जाकर आप एप्लीकेशन की प्रेस कीजिए, जो शॉर्टकट की होता है, आप लोग जो माउस से करते हैं, राइट माउस बटन क्लिक करते हैं, और जो विजुअली इम्पेयर करते हैं वो एप्लीकेशन की करते हैं। अगर किसी के लैपटॉप में एप्लीकेशन की अलग से नहीं है तो Shift+F10, यानी कि Shift+F10 अगर यूज करेंगे तो एप्लीकेशन की का काम करेगा। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन की कीजिए, और नीचे जब आएंगे तो सेव जो आएगा, सेव विद डॉक, DOC, है ना, DOCS, डॉक्स, तो डॉक्स में सेव कर दीजिए उसे। जैसे आप उसमें डॉक्स में लोगे, एंटर करोगे डॉक्स ऑप्शन में, तो वो डॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो भी आपका, मतलब आपके सामने डॉक्स खुल जाएगा ऑनलाइन, जो माइक्रोसॉफ्ट, जैसा हमारा ऑफलाइन हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, उसी प्रकार से वर्ड जो है गूगल ने भी प्रोवाइड किया है ऑनलाइन, जिसको डॉक्स बोलते हैं, तो उसमें खुल जाएगा, और उसमें आप देखोगे वो इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया होगा नीचे। उसमें आप क्या करोगे,
वो तो ऑनलाइन है अभी, आपको तो ऑफलाइन चाहिए। तो इसके बाद आप फाइल मेन्यू में जाओगे, सीधा खुले उस डॉक्स खुला ही रहेगा, आप ऑल्ट एफ करके फाइल मेन्यू में जाओगे और नीचे आएगा डाउनलोड, डाउनलोड विथ जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, इस तरह से वहां पर ऑप्शन आएगा, क्योंकि अलग अलग वर्जन में अलग अलग ऑप्शन आ सकते हैं। आप जैसे उसमें एंटर करोगे तो हमारा जो लोकल ऑफिस हमने इंस्टॉल किया है उसके उस फॉर्मेट में वो डाउनलोड हो जाएगा हमारे कंप्यूटर में। तो ये फ्री सॉल्यूशन है, अभी आपको लंबा लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपलोड करना है, एप्लीकेशन की प्रेस कीजिए, डॉक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। अब डॉक्स में कन्वर्ट करने के बाद कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, वहां से सबको कंट्रोल से सेलेक्ट किया, कॉपी किया, कंट्रोल सी से अपने वर्ड में आकर पेस्ट कर दीजिए, ये भी एक आसान रास्ता है ना। तो ये आसान तरीका OCR से। तो इस प्रकार से ये कन्वर्ट करके आप इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट में, जब आपका कन्वर्ट हो जाएगा तो आप फिर जो भी ब्रेल ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है, जैसा कि डक्सबरी है, सबसे मतलब मुझे तो सबसे बेस्ट अभी डक्सबरी ही लगता है, बहुत लोग यूज करते हैं उसका। इंडेक्स का जो ब्रेल प्रिंटर होता है उसके साथ वो अपना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देते हैं, इंडेक्स इंडेक्स ब्रेल प्रिंटर के नाम से, है ना। तो उसमें भी हो सकता है, लेकिन डक्सबरी जो है कई भारतीय भाषा को सपोर्ट करता है। अगर डक्सबरी 11 ऑनवर्ड है आपके पास, तो डक्सबरी का जो वर्जन 11 और ऑनवर्ड्स है, आगे का वर्जन है, तो जो है हिंदी भी वो सपोर्ट करता है। और हिंदी के लिए आपको बता दूं कि हिंदी के लिए जो भी आप लोग कुर्ती देव में टाइप करते हैं, जो भी आप कुर्ती देव में टाइप करते हैं वो टाइप करना बंद कर दें, है ना। कुर्ती देव में टाइप करना बंद कर दें आप, वो नॉन यूनिकोड बेस्ड है, वो भले ही इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट दिखता है लेकिन हमारे लिए या स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के लिए या कंप्यूटर के लिए उपयुक्त नहीं है वो, यूनिकोड बेस्ड ना होने के कारण से। कुर्ती देव आप अगर टाइप करोगे, दूसरे कंप्यूटर में भेजोगे, वहां अगर वो यूज कर रहे हैं तो वहां खुलेगा नहीं, जब तक वहां प्रॉपर नहीं दिखेगा वो। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वहां उसका फॉन्ट नहीं होता है। यूनिकोड बेस्ड सर्वव्यापी है और सब सारे सॉफ्टवेयर में यूनिकोड बेस्ड, यूनिकोड पर आधारित जो है फॉन्ट ही यूज होते हैं, या उसी को समझने की कैपेबिलिटी होती है। तो बेस्ट यही है कि आप हिंदी जब भी यूज करें यूनिकोड बेस्ड करें। सबसे अच्छा तो ये है कि आप हमारे जो ये विंडो है, विंडो के ही अंदर हिंदी ऐड कर ले, है ना। विंडो में कंट्रोल पैनल में जाकर, लैंग्वेज में जाकर हिंदी ऐड कर ले, वैसे और कुछ नहीं करना है, हिंदी ऐड करना है और अपना टाइपिंग शुरू करना है। थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, बहुत ही आसान है। ब्रेल और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए तो मैं कहूंगा कि यही वाला सीखें, क्योंकि ये ब्रेल के कॉन्सेप्ट पर आधारित है ना, ब्रेल के कॉन्सेप्ट पर आधारित है बिल्कुल। जैसा प्रॉ लिखते हैं, साइटेड से पूछेंगे प्रॉ में, वो बोलेंगे पॉ जो है पूरा है, रॉ आधा है। लेकिन अगर हम साउंड के बेस पर देखें तो साउंड पर पॉ आधा होता है, रॉ पूरा होता है, वो लगाने का तरीका नीचे लगता है वो बात अलग है। तो साउंड के बेस पर ही हमें देखना होता है और साउंड के बेस पर ही देखना चाहिए। तो हम पॉ हेलंत रॉ लिख देते हैं वहां पर, तो बन जाता है ना। तो ये बिल्कुल ब्रेल के कॉन्सेप्ट पर है, तो इसी को यूज करें। और इससे फायदा भी ये होता है कि वही, एक तो यूनिकोड बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फायदा है कि कहीं भी खुल जाएगा वो, किसी भी कंप्यूटर में आप भेजिए खुल जाएगा, ऑनलाइन उसको अपलोड कर दीजिए वो वहां भी खुल जाएगा। और तीसरा बेनिफिट आपको ये है कि आपको किसी फॉन्ट को इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ आज लखनऊ में हो, वहां यूज कर लो, कल देहरादून आओगे, किसी कंप्यूटर में बैठोगे, केवल हिंदी आपको ऐड कर लेना है और सीधा हिंदी टाइपिंग शुरू कर देनी है, और कोई दिक्कत नहीं। तो इतना आसान है, इस तरह से सॉफ्टवेयर को अगर आप प्रॉपर और प्रोफेशनल तरीके से यूज करते हो तो। लेकिन कुर्ती देव में ऐसा नहीं है। अब कई लोग सोच सकते हैं कि हमने तो कुर्ती देव में सीखा है क्योंकि उसका टाइपिंग अलग है, और कंप्यूटर में जो है वो इनस्क्रिप्ट लेआउट में है, उसमें टाइपिंग हल्का सा अलग हो जाता है, हालांकि आसान है लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो अब करना क्या है, आप अगर विंडो 10 यूज कर रहे हो, 8.1 यूज कर रहे हो, तो देखिए वहां पर आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में चले जाइए, वहां इंडिक नाम का आपको मिलेगा, इंडिक फॉन्ट, इंडिक के नाम से। वहां पर इंडिक, अगर आप इंडिक 3 यूज करते हो, इंडिक 3 यूज करके डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो इंडिक 3। तो इंडिक 3 से क्या हो जाएगा,
कि आपको कुर्तीदेव के स्टाइल में ही टाइप करने को मिल जाएगा, होगा वो यूनिकोड लेकिन कुर्तीदेव के स्टाइल में आपको टाइप करना मिल जाएगा। लेआउट, जो लेआउट है वो कुर्तीदेव का आ जाएगा इंडिक 3 से, अगर विंडो 10 8.1 है। तो विंडो 7 है तो वहां पर इंडिक इंडिक 2 है, इंडिक 2 आप डाउनलोड कीजिए, इंडिक 1 या 2 होगा वो डाउनलोड कर लीजिए, तो उससे जो है विंडो 7 में भी आप कुर्तीदेव के स्टाइल में टाइप करना शुरू कर लोगे, होगा वो यूनिकोड। हमारा स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर भी पड़ेगा। ये आप लोगों को स्पेशली करना इसलिए जरूरी है अभी से ही, क्योंकि अगर आप आगे चल के स्पेशल एजुकेशन एजुकेटर बनते हो, डेफिनेटली बनना तो है ही है, तो ऐसे में फिर आप एक्सेसिबल वे में काम नहीं कर सकते हो, और अगर आपने जो काम किया है वो एक्सेसिबल नहीं होगा तो इस फील्ड के लिए हर्डल डेवलप करेगा, एक बाधा उत्पन्न कर देगा, फिर वहां पर वो समस्या आ सकती है ना। तो अच्छा यही है कि अभी आप लर्नर हो, सीख रहे हो, तो क्यों ना कन्वर्ट कर लो अपने आप को, सीख लो, क्या दिक्कत है, इनस्क्रिप्ट ले आओ सीख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, आधे घंटे में आप हल्का हल्का टाइपिंग करना शुरू कर दोगे इनस्क्रिप्ट में। तो ये सब चीजें हैं, ये ध्यान देना जरूरी है, एक्सेसिबिलिटी चाहिए तो केवल हम ये बोलें कि पहले बना दें उसके बाद फिर बोलें कि आप इसको एक्सेसिबल बनाओ, तो वो गलत कॉन्सेप्ट है। तो और ये तभी आपको मालूम चलेगा जब आपके पास प्रॉपर सॉफ्टवेयर होंगे। तो ब्रेल में, इसलिए ब्रेल में कन्वर्ट करना है तो आपको हिंदी यूनिकोड बेस्ड होना चाहिए, और डक्सबरी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हिंदी को भी कन्वर्ट करता है लेकिन पेड है, ये और भी सॉफ्टवेयर है और भी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है डक्सबरी, हो सकता है और भी फ्रीवेयर होगा हिंदी ब्रेल में कन्वर्ट करने का। और जो भी ब्रेल में है, जो भी डॉटेड फॉर्म में है डक्सबरी में, वो आप उसके ई टेक्स में, जो नॉर्मल जो प्रिंट है, प्रिंट टेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि ब्रेल टेक्स और प्रिंट टेक्स दोनों में कन्वर्ट हो जाता है ना। इसमें डक्सबरी में देखे जाए जाए तो 6 डॉट एंट्री सिस्टम से हम कर सकते हैं, 6 डॉट एंट्री सिस्टम से भी हम उसमें डेटा एंट्री कर सकते हैं ब्रेल फॉर्मेट में, और कीबोर्ड से भी, हम फुल कीबोर्ड से भी डेटा एंट्री कर सकते हैं, तो दोनों सुविधा है उसमें, और बहुत सारे उसमें सेटिंग है। तो ना, ये एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो प्रैक्टिकल का ही एक पोर्शन है, हम केवल, मुझे तो एक थोड़ा सा आपको एक जानकारी देना था कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है ना। आजकल तो इमेज इमेज भी उसमें ड्रॉ हो रहा है, थोड़ा बहुत उभरे हुए चित्र हल्का हल्का जो है ड्रॉ हो रहे हैं, तो वो सब चीजें हैं। इसके बाद हम मूव करेंगे डीजी, DAISY, डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, DAISY, डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना, आप नोट कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, डीजी से, डीजी फॉर्मेट में जो बुक बनते हैं वो एक ऐसा बुक होता है जिसमें कि नेविगेशन, नेविगेशन मीन्स जो भ्रमण है इधर से उधर, नेविगेट करने की जो है, तो नेविगेशन आप आसानी से कर सकते हो। अब देखिए, पहले जो रिकॉर्डिंग होता था वो एक सिंपल कैसेट में होता था, है ना, कैसेट में होता था, वो बिल्कुल एक एनालॉग रिकॉर्डिंग था। फिर आप डिजिटल एज आया, जो बाइनरी कोड पे चल रहा है डिजिटल एज, तो सीडी पर रिकॉर्डिंग होने लगा, तो डिजिटल तो हो गया, उसको हम प्ले भी कर सकते हैं सीडी प्लेयर में, कंप्यूटर में चला भी सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक्सेसिबल नहीं हुआ। अब एक्सेसिबल का क्या, क्यों नहीं हुआ मैं बताऊंगा, क्योंकि चला सकते हैं तो एक्सेसिबल क्यों नहीं हुआ, हो गया एक तरह से तो, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा वो पूरी तरह से एक्सेसिबल नहीं हुआ। अब देखिए इसमें क्या समस्या थी, डिजिटल तो हो गया, चलो आज के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें वेबसाइट में अपलोड करना है या कहीं और प्रोसेसिंग करना है तो डिजिटल हो गया, लेकिन समस्या क्या थी कि उसमें आप मान लीजिए इंडेक्स में लिखा हुआ है पेज नंबर 25, है ना, आपने कोई बुक पढ़ना शुरू किया, सुनना शुरू किया, तो उसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 25, अब आप पेज नंबर 25 में डायरेक्ट नहीं जा सकते, उस सिंपल रिकॉर्डिंग बुक में आप पेज नंबर 25 में डायरेक्ट नहीं जा सकते डीजी, अगर डीजी फॉर्मेट में ना हो तो, सिंपल रिकॉर्डिंग में हो तो। लेकिन साइटेड अगर देखा जाए तो वो इंडेक्स में देख लेते हैं, अच्छा ये चीज पेज नंबर 25 में है, वो फटाफट उसको पलट के पेज नंबर 25 में चले जाते हैं, या हेडिंग टू हेडिंग भी वो देख लेते हैं साइटेड,
बुक में, लेकिन आप जो है नॉर्मली जो रिकॉर्डिंग होता है उसमें हेडिंग टू हेडिंग भी नहीं जा सकते प्रॉपरली। तो इसीलिए सोची गई कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट डेवलप हो जो कि डिजिटल भी हो और एक्सेसिबल भी हो, दोनों बातें हैं, डिजिटल भी हो और एक्सेसिबल भी हो। इसीलिए एक स्पेशल फॉर्मेट में बुक रिकॉर्ड की गई जिसको बोलते हैं डेजी फॉर्मेट, डिजिटली जो एक्सेसिबल, इसे बोलते इसलिए है ना DAISY, डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये केवल बुक के लिए लागू नहीं होता है, ये प्रत्येक इंफॉर्मेशन के लिए लागू होता है, ताकि डिजिटल भी हो इंफॉर्मेशन और एक्सेसिबल भी हो पूरी तरह से। आप सीधे पेज नंबर में जंप कर सकते हो, उसमें सीधे हेडिंग टू हेडिंग जंप कर सकते हो और चैप्टर टू चैप्टर भी जंप कर सकते हो। ये सब चीजें डेजी बुक में दिया जाता है। अब डेजी बुक को चलाने का तरीका, जैसा अगर आप फ्रीवेयर की बात करें तो AMIS, एडेप्टिव मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम, AMIS, एडेप्टिव मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम, AMIS एमईज है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सकता है। और ये DAISY.org है ना, जो वेबसाइट है DAISY.org, वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आप डेजी बुक को देखोगे, डेजी बुक को कभी आप लाना उसे देखना, तो एक फोल्डर में मिलता है आपको डेजी बुक, और जैसे उसमें आप फोल्डर में एंटर करते हो, नॉर्मली अगर एंटर करोगे फोल्डर में, तो बहुत सारे आपको MP3 फाइल मिल जाते हैं और साथ ही साथ स्मेल फाइल भी मिलता है। और एक, जहां तक उम्मीद है एक होगा, वो है .ncc.html का एक फाइल होगा। वो जो ncc.html होता है वही मेन फाइल होता है, वो सबका इंफॉर्मेशन रखता है। अब अगर आपको मोबाइल या अगर आपको सिंपली प्ले करना है तो आप जो भी MP3 फाइल है उसको प्ले कर दीजिए, आपका विंडो मीडिया प्लेयर में आराम से प्ले हो जाएगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो डेजी फॉर्मेट की जो सुविधा मिलनी है वो सुविधा नहीं मिल पाएगी, राइट। जैसा कि जो नेविगेशन की सुविधा है, डायरेक्ट पेज में जाना, हेडिंग टू हेडिंग जंप करना, इस तरह के जितने भी चीजें हैं वो सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। तो इसीलिए हमें हमेशा सजेस्ट करनी चाहिए, कभी भी विजुअली इम्पेयर्ड कोई भी आपको मिले, कि भाई डेजी के जो प्लेयर्स हैं उसको आप इंस्टॉल करें, उसके बाद उसमें प्ले करें, तो आपको वो सारी नेविगेशन की सुविधा मिल जाएंगे, है ना। जैसा कि सॉफ्टवेयर में एमीज जॉस के साथ आता है FS रीडर करके आता है, वो पेड है FS रीडर। और अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल में देखें तो कोटा डेजी रीडर भी है, वॉइस ड्रीम रीडर भी है, वॉइस ड्रीम रीडर पेड है, ये वॉइस ड्रीम रीडर पेड है, लेकिन कोटा डेजी रीडर फ्री है। सिंपली रीडर, सिंपली रीडिंग करके आता है, जो डेजी जो है डेजी जो प्रोजेक्ट है उन्होंने ही बनाया है सिंपली रीडर, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे हैं जो कि ऐप है जिसके माध्यम से, जिसके सहारे आप डेजी बुक को पढ़ सकते हो, और ऐसा पढ़ने से तभी आपको नेविगेशन की सुविधा मिलती है। अब मान लीजिए एक सिचुएशन आ सकता है कि कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं आपको जो सिंपल फोन यूज कर रहे हैं, है ना, स्मार्टफोन यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल फोन यूज कर रहे हैं, तो क्या करोगे भाई। तो आप एक काम कर सकते हो, जितने भी MP3 आप डीजी फोल्डर में जाइए, जो बुक है उस बुक के फोल्डर में अंदर जाइए, और जितने भी MP3 फाइल है उसको कॉपी करके और उस फोन में पेस्ट कर दो ना। अगर सिंपल फोन है जो होता है ना, सिंपल ऑर्डिनरी फोन, बेसिक फोन जो होते हैं जिसमें MP3 प्लेयर, मतलब गाने वाने सुनने के लिए जो, मतलब गाने सुन सकते हैं उसमें, ऐसा बस फोन स्मार्टफोन ना हो, तो आप क्या होगा कि जो पर्सन है वो MP3 फाइल 1x1 सुन सकता है। तो इसको, ये जो डेजी फॉर्मेट है उसको डिजाइन इस तरह से किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में किसी को प्रॉब्लम ना हो, डेजी प्लेयर में भी चल जाए और साथ ही साथ जो डेजी के हार्डवेयर है, प्लेबैक हार्डवेयर है, प्लेबैक सॉफ्टवेयर है, उसमें तो चले ही चले, लेकिन साथ ही साथ जो ऐसे मोबाइल जो सिंपल मोबाइल है या CD प्लेयर में भी चल सकता है, ये CD प्लेयर में, लेकिन CD प्लेयर में आपको नेविगेशन की सुविधा नहीं मिलेगी, है ना, आपको 1x1
वन बाय वन प्ले करना पड़ेगा आपको MP3 फाइल। जो इसमें स्मिल फाइल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो डीजी प्लेयर में ही काम आते हैं, उसमें प्रत्येक फाइल का इंफॉर्मेशन होता है। अब आपके माइंड में आ सकता है कि उसमें कितने फाइल मिलेंगे, कितने MP3 फाइल मिलेंगे, कितने स्मिल फाइल मिलेंगे। जितना MP3 होगा उतना स्मिल फाइल भी होगा। तो बुक में जितना हेडिंग मार्क किया होगा, बुक बनाते, देखो बुक जब बनाते हैं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। स्ट्रक्चर जब तैयार होता है तो कहाँ कहाँ हेडिंग है वो मार्क किया जाता है कि कहाँ कहाँ हेडिंग, तो हेडिंग उसमें तैयार किया जाता है कि ये हेडिंग है। तो जितना हेडिंग होगा उतना जो है फाइल बनेगी अलग अलग, है ना। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप डीजी प्लेयर या सॉफ्टवेयर, डीजी का सॉफ्टवेयर, उसमें प्ले करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपको इतनी फाइल वाइल, कौन सा फाइल प्ले करना है उसका कोई झंझट नहीं है। वहां पर आपको ncc.html नाम का एक फाइल मिलेगा, उसको क्लिक कर दीजिए, वो अपने आप ही प्ले कर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके लिए फ्री टूल्स, अगर इसको डेवलप करना है, कोई बैठ कर रिकॉर्डिंग करना चाहते तो फ्री टूल्स है OBI करके एक है, OBI सॉफ्टवेयर है, जो फ्री टूल्स है, जो कि डीजी के वेबसाइट से, डीजी जो प्रोजेक्ट है, कंसोर्डियम है, डीजी कंसोर्डियम, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, OBI है। अब देखिए ये जो डीजी है वो ऑडियो, फुल ऑडियो भी होते हैं, जैसे नॉर्मली आप देखते हो रिकॉर्डिंग होता है, हमारे जो नेशनल टॉकिंग बुक लाइब्रेरी है उसमें भी फुल ऑडियो रिकॉर्डिंग होते हैं। ये फुल टेक्स्ट भी हो सकते हैं, मतलब बिना ऑडियो के, ताकि हम स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर से पढ़ सकें, टेक्स्ट दिख रहा होगा सामने, तो फुल टेक्स्ट भी हो सकता है, फुल ऑडियो भी हो सकता है, और इन दोनों का मिक्सअप भी हो सकता है कि आधा टेक्स्ट आधा ऑडियो, है ना, ऐसा भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं एक साथ, फुल टेक्स्ट फुल ऑडियो। तो चारों ये फॉर्मेट में अवेलेबल है, फुल टेक्स्ट फुल ऑडियो, केबल ऑडियो या केबल टेक्स्ट, है ना, इस तरह के सारे फॉर्म, या पार्सली ऑडियो पार्सली टेक्स्ट, ऐसा भी होता है। तो डिपेंड करता है किस तरह का सिचुएशन में आप बुक बना रहे हो। तो आजकल देखिए इससे भी आगे हम थोड़ा निकल चुके हैं, हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, EPUB ई पब्लिशिंग जिसे कहते हैं। और EPUB जो है ऐसा नहीं है कि हम, ये केवल विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है। EPUB फॉर्मेट पहले से भी यूज हो रहा था, अब विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी भी EPUB फॉर्मेट में जा रही है, क्योंकि इसका इंक्लूजन हो सकता है, इंक्लूसिव वे में इसका यूज हो सकता है। कई जो बुक हमें प्रोवाइड होते हैं, जो हमारे जो पब्लिशर है वो बेचते हैं ई फॉर्मेट में, तो उसमें से कई बुक आपको EPUB फॉर्मेट में मिल जाएंगे, है ना। तो पहले से ही बनता था ये, और इसको जो है डिजिटल, जो एडोबी का डिजिटल एडिशन है उसमें भी प्ले कर सकते हैं EPUB। ये नॉर्मली टेक्स्ट बेस्ड होता है, और अगर देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए, तो HTML टेक्स्ट बेस्ड होता है। HTML फॉर्म जैसा आपको वेबसाइट हो ना, उसी तरह से हो जाता है, ये HTML में कन्वर्ट करके इसको बनाया जाता है। तो इसके कारण से वो टेक्स्ट बहुत ही एक्सेसिबल हो जाता है, और इसमें ये भी सुविधा होता है कि आप जहाँ इमेज, इसमें आप इमेज का भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, क्योंकि लो विजन के लिए भी हो सकता है। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये भी होता है कि इसको लार्ज कर सकते हो, थोड़ा स्मॉल कर सकते हो, जैसा रिक्वायरमेंट उस तरह से फ्लेक्सिबल होता है। EPUB फॉर्मेट आप देखोगे, जो भी डेजी बुक या EPUB बुक को चलाने के लिए, अब प्लेक्सटॉक आपको पता ही है, हार्डवेयर में प्लेक्सटॉक है, ईबो या E10 जिसे E10 E6 E5 इस तरह जो सक्षम में अवेलेबल है वो भी है, एंजल है ना, ये सब कुछ मेजर डिवाइसेस हैं जो इन बुक्स को प्ले करने में हेल्प करते हैं। अब तो जितने भी डीजी प्लेयर बन रहे हैं वो EPUB को भी प्ले करने की क्षमता रखती है, जो जितने भी मॉडर्न बन रहे हैं, क्योंकि अब जो है हम लोग EPUB की ओर ही जा रहे हैं। EPUB में भी आपको किसी पेज नंबर में जाना, मतलब डायरेक्ट किसी पेज नंबर में जाना, किसी हेडिंग में जाना, वो सब सुविधा उसमें होती है ना। तो आने वाले समय में आप देखोगे EPUB फॉर्मेट में ही होता है। और EPUB देखिए, डेजी में जो रिकॉर्डिंग्स होता है उसमें क्या प्रॉब्लम है कि आपको रिकॉर्डिंग करने पड़ेंगे, और रिकॉर्डिंग फिर उसको रिकॉर्डिंग को एडिटिंग करना एक झंझट वाला काम है, और उसके लिए फिर आपके पास एक छोटा मोटा स्टूडियो भी होना चाहिए, शांत एरिया होना चाहिए। लेकिन EPUB में क्या है कि EPUB में आपका सिंपल वर्ड में आप टेक्स्ट को मेंटेन कीजिए, प्रॉपर बनाइए, उसको अपडेट करना भी आसान है,
और सिंपल एक दो क्लिक करके ही उसको आप ईपब फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। आप डीजी, जो डीजी कंसोर्टियम है, उनकी वेबसाइट में जाइए तो ईपब डेवलप करने के लिए टूल्स दिया गया है वहां पर, वर्ड टू ईपब करके एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, उसको आप डाउनलोड करके आप वर्ड से ईपब फॉर्मेट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आई तो दोबारा फिर उसको, क्योंकि टेक्स्ट को अपडेट करना आसान होता है ना, टेक्स्ट को अपडेट करना आसान होता है, अपडेट कर दीजिए उसके बाद फिर उसको कन्वर्ट कर दीजिए दो क्लिक में, राइट। तो ये सब कुछ चीजें थी जो कि मैंने आपको बताया जो आज के टॉपिक के अनुसार। अगर आपको आप कुछ पूछना हो आज के बारे में तो आप बताएं। एक्सेसिबल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर किसी बच्चे का कोई प्रश्न है, कोई क्यूरी है, तो अवश्य पूछे। अब तक जो हमने किया है उससे भी अगर कोई छोटा मोटा जानकारी जो मुझे याद हो तो मैं अभी बता दूंगा। जी क्योंकि आज का ये चार जो टॉपिक था और मैंने गिव अप बताया वो। बाकी देखो आप ऑनलाइन, हाँ हाँ प्लीज प्लीज सर, जब हम लोग हार्डवेयर के बारे में जब सर फाइल में लिखेंगे तो सर उसके अंडर में ये प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी इन सब को भी लिखना होगा। हार्डवेयर में जितने भी हार्डवेयर से रिलेटेड है वो आप लिख सकते हो, बिल्कुल ये भी आ सकता है। मेमोरी भी हार्डवेयर का ही पोर्शन है ना, मेमोरी भी हार्डवेयर का ही पोर्शन है तो आप लिख सकते हैं। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में स्टोरेज में देखो, स्टोरेज में दो प्रकार के, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, दोनों प्रकार के स्टोरेज हैं, है ना, उसको आप लिख सकते हो। स्टोरेज भी लिख सकते हो, मेमोरी भी लिख सकते हो, राइट। जी सर। सर सॉफ्टवेयर के लिए जब लिखेंगे तो सर जैसे सॉफ्टवेयर में आपने बताया जैसे कि CUI होता है, DOS होता है, Linux होता है, iOS होता है, तो सर इन सभी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे या फिर केवल सॉफ्टवेयर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे? देखो अब कितना पूछा है वो तो उसमें डिपेंड करेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर एक एक दो दो लाइन आप डिस्क्राइब कर दें तो अच्छा है। ये जो है, जो आपने जितना भी आपने नाम लिया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। पहले आपको हेडिंग डालना पड़ेगा सॉफ्टवेयर में, पहले सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन दे दिया, फिर में ब्रॉडली दो पार्ट से डिवाइड किया जा सकता है। एक हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर OS, और उसके अंतर्गत ये सब है लिनक्स और ये सब जितने भी चीजें हैं, है ना। और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मैंने आपको दो बताए थे, एक CUI और दूसरा GUI, है ना, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जो लिनक्स है ये, और कैरेक्टर इतना लिखना काफी है, वो तो एग्जांपल है जो आपने बताया, ये सब एग्जांपल है, आपको इतना लिखना मेरे हिसाब से काफी है कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस किसे कहेंगे, जिसमें सारे कमांड जो भी एक्टिविटीज है वो कैरेक्टर के माध्यम से देते हैं, और ग्राफिक यूजर इंटरफेस जिसमें की एनिमेशन, ग्राफिक्स, जितने भी डिजाइन है वो सब चीजें होते हैं, ग्राफिकल सिंबल्स होते हैं, वो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस फेस कहलाती है। उसमें आप ग्राफिक्स में क्लिक करके भी मतलब ग्राफिक्स के द्वारा भी किसी ऑप्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन करेक्टर यूजर इंटरफेस में ऐसा नहीं होता है, उसमें करेक्टर से ही लिखना होता है, प्लेन होता है, नॉर्मली प्लेन होता है, बिल्कुल प्लेन एक विंडो मिल जाएगा आपको, आपको लिखना है हर चीज उसमें। ये सब एग्जाम्पल है जो आपने कहा, वो सब एग्जाम्पल है। विंडो ग्राफिक्स में लिख दोगे, लिनक्स देखो आजकल ग्राफिक्स का भी यूज हो रहा है, लिनक्स में ग्राफिक्स भी आ रहे हैं, और लिनक्स ओरिजिनल तो जो है CUI था वो तो विंडो है, iOS है, iOS भी जो है ग्राफिक्स में आ जाएगा, DOS जो है वो वहां चला जाएगा CUI में। तो ये सब एग्जांपल है, अब डिस्क्राइब मुझे नहीं लगता कि ज्यादा डिस्क्राइब इसको करने की आवश्यकता पड़ेगी। जी सर। सर जो जैसे कि मेजर ICT डिवाइस लिखनी है तो सर उसमें जैसे स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर और ब्रेल RBD, सर ये सब मेजर डिवाइसेस हैं या फिर इसमें कुछ और डिवाइसेस आती हैं? हाँ, मेजर में तो यही है जो जो हम यूज करते हैं, है ना, नॉर्मली
स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें जो जो है आप दे सकते हो, जॉज है, एनवीडी है, उनके बारे में थोड़ा लिख सकते हो। और उसके बाद उसमें एक लाइन, उसके बाद फिर ये ब्रेल ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है। साथ ही साथ जो ब्रेल ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर को तो नॉर्मली हम उतना एक्सेसिबिलिटी उसमें ना ट्रांसलेशन का काम करता है, देखा जाए तो हम ज्यादातर जो है आरबीडी है, ब्रेल नोट टेकर है ना, ये सब चीजें, मैग्नीफाइंग है, डेजी है, डेजी के जो सॉफ्टवेयर हैं, अगर सॉफ्टवेयर बोलेंगे तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर तो हार्डवेयर, जो डीजी में जो एमई से ये सब जो सॉफ्टवेयर कहलाता है, ये सब मेजर्स हैं। अगर विजुअली इम्पेयर्ड फील्ड में यूज कर रहे हैं तो ब्रेल ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर भी है, बिल्कुल है। डीजी के जो प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर जैसा वो भी है, वो भी आ जाएगा। ओके सर, सर एक ये क्वेश्चन है कि जो सर विजुअली इम्पेयर्ड है, जब उनके लिए हम लोग हमें आईसीटी का मूल्यांकन करना होता है तो उसके बारे में हम क्या कर सकते, क्या लिख सकते? मतलब किस किस परिपेक्ष में? सर आईसीटी का मूल्यांकन लिखना है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, तो सर क्या लिखेंगे? नहीं, मूल्यांकन कौन करेगा? भाई देखो, आईसीटी क्योंकि किस डायरेक्शन से मूल्यांकन होगा वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर टीचर करेगा तो कुछ और तरीके से करेगा, है ना। अगर अगर कोई दूसरे पर्सन है, जैसा कि आप कहीं पर गए और किसी से पूछने गए कि कौन सा डिवाइस लेना है, तो वहां पर किसी और प्रकार से होगा। तो सर एक जैसे ये टॉपिक है कि थोड़ा सा इवोल्यूशन, एग्जांपल देकर बताओ तो। हाँ, मैं फिर बता सकते हैं इसमें। सर ये टॉपिक है कि इवोल्यूशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड इम्पेयर्ड फॉर आईसीटी। हाँ, तो देखो, इवेल्युएशन आप कैसे करोगे? मतलब आईसीटी के लिए अगर मान लीजिए वो जब भी कोई आपके पास आता है, एक प्रैक्टिकल सेंस में समझ लेते हैं, बाकी आप किस सेंस में कर रहे हैं वो तो फिर अलग बात है। तो प्रैक्टिकल सेंस में हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई विजुअली इम्पेयर आया, अब वो आईसीटी उसको चाहिए, तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले तो यही है ना कि भाई आप असेसमेंट करने का प्रयास करोगे कि उस पर्सन को प्रॉब्लम क्या है, कितना प्रॉब्लम है आई से रिलेटेड, राइट? तो एक तो जब आईसीटी अगर आप सजेस्ट करोगे, इवेल्युएट करोगे कि आईसीटी कौन सा चाहिए, किस तरह का होगा, तो उसके लिए सबसे पहले उसकी आई की जो कंडीशन है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, किस तरह का है। अगर वो लो विजन है तो डेफिनेटली आप लो विजन से रिलेटेड, लो विजन में भी देखिए, लो विजन में भी प्रॉब्लम है। लो विजन में भी आप देखोगे भाई कलर कॉन्ट्रास्ट, क्या वो कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है? भाई लो विजन में भी कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकते हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं वो भी देखोगे, है ना। और साथ ही साथ अगर उसकी विजन कितना है, क्या वो विजन कांस्टेंट है? अगर कांस्टेंट नहीं है तो ज्यादा स्ट्रेस पड़ने पर हो सकता है डिट्यूरेट हो जाए विजन। तो इसके लिए फिर आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, इस तरह के जो आईसीटी रिलेटेड चीजें हैं वो देना जरूरी है। और अगर वो पर्सन, उसका जो है विजन ठीक ठाक है, मतलब लो विजन है, तो आप मैग्नीफाइंग सजेस्ट करोगे, है ना, मैग्नीफाइंग सॉफ्टवेयर सजेस्ट कर सकते हो। अगर लो विजन भी है और उसको हियरिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मतलब सुनने में भी थोड़ा सा हो सकता है, कई बार कोई एक्सीडेंट से कोई ब्लाइंड हो जाता है तो कई बार और प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है, तो वहां पर जो है आपको समस्या आ सकती है कि भाई उसका विजन डिटेरियरेट हो रहा है और सुनने की भी जो है उसकी क्षमता थोड़ा कम हो रही है। तो आपको वहां पर दोनों का मिक्सअप करने के लिए बोलोगे, उसे दोनों का मिक्सअप यूज करना है, मीन्स लार्ज जो मैग्निफाइंग है उसका भी यूज करना है और साथ ही साथ साउंड का भी यूज करना है, लेकिन दोनों का मिक्सअप में यूज करना है ताकि एक बैलेंस बना रहे। अदरवाइज अगर उसकी एक तो कम सुनाई दे रही है, सुनाई में प्रॉब्लम आ रही है या कानों में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर भी जोर नहीं पड़ना चाहिए और आंखों पर भी जोर नहीं पड़ना चाहिए, है ना। अगर आप, क्या होता है अगर आपके आईज में बहुत स्ट्रेस पड़ गया, या तो समस्या क्या होती है कि ब्रेन में भी बहुत मतलब थकान लग जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे बेस्ट यही है कि जब भी आप आईसीटीओ करो, और दूसरी बात, उसे अगर ब्रेल आती है ना, ब्रेल आती है, तो भाई
आप उसको आरबीडी सजेस्ट कर सकते हो। आरबीडी जब सजेस्ट करोगे या कोई भी डिवाइस सजेस्ट करोगे तो इकोनॉमिकल कंडीशन, देखिए वो सब चीजें हो सकता है, उतना ना आप लोग नहीं यूज करते हो लेकिन हम लोग तो करते हैं। इकोनॉमिकल कंडीशन कैसे, आपने बोला भाई आरबीडी ले लो लेकिन उतना इकोनॉमिकल कंडीशन है ही नहीं, कॉस्टली है आरबीडी। अभी जो उसका है ऑर्बिट का वो लगभग 30-32 हजार का है ना, 30 हजार के अराउंड है। तो ये सब चीजें हैं, जब भी आप देखोगे इवेल्युएट करोगे कि किस तरह के आईसीटी देना है, प्रिफर करना है उसको, तो ये सब चीजें तो आपको एक बार इवेल्युएशन करना जरूरी है। फिर डिवाइस देखो, जब भी करोगे डिवाइस में भी आपको आना है कि भाई डिवाइस का डिवाइस जब भी आप सजेस्ट करो तो कॉमन डिवाइस जहां तक हो सके, जहां तक हो सके कॉमन डिवाइस सजेस्ट करना है ना। जैसा मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, कीबोर्ड है, अब लार्ज फोन कीबोर्ड भी आता है और सिंपल कीबोर्ड भी आता है। अब मान लो कहीं आप इवेल्यूशन कर रहे हो आईसीटी का, तो सिंपल कीबोर्ड भी आता है और लार्ज कीबोर्ड भी आता है, तो आप बोलोगे चलो भाई लार्ज कीबोर्ड हम लो विजन के लिए ले लेंगे। लेकिन क्यों, सिंपल कीबोर्ड से काम हो सकता है क्योंकि आप देखोगे टाइपिंग जो करते हैं, साइटेड भी टाइपिंग करते हैं तो बुक में देखते हैं और फिर कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं, तो उनको भी तो टाइपिंग सिखाया जा सकता है। लार्ज कीबोर्ड देखिए, आप लार्ज कीबोर्ड आप देखोगे 3,500-4,000-5,000 का आता है, और सिंपल कीबोर्ड जो हम यूज करते हैं नॉर्मली ठीक ठाक कीबोर्ड होता है वो जो है आपको 600-700 का आ जाता है। तो हमें ये भी सोचना है जब भी हम आईसीटी को चाहे प्रिक्योरमेंट करने के लिए इवेल्यूशन करें, चाहे किसी भी चीज के लिए या किसी को सजेस्ट करें, तब भी हमें ये सोचना है कि ऐसा डिवाइस हो जो कॉमनली यूज हो सके जहां तक संभव हो। अगर नहीं हो सकता है दैट इज डिफरेंट थिंग, नहीं हो सकता अलग बात है, लेकिन जब हो सकता है तो हम क्यों हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल मान के, और लो विजन है तो लार्ज फोन ठीक, लार्ज फोन कीबोर्ड ही यूज होगा, हम ये क्यों सोचें। उनको भी उसमें कीबोर्ड सिखाया जा सकता है और आज तक यही यूज हो रहा है, ताकि इकोनॉमिकली भी कहीं प्रॉब्लम ना आए। मान लीजिए अगर आपने, चलो आपने सिखा दिया लार्ज फोन कीबोर्ड में, अब वो बैंक में जाता है तो बैंक में तो उसको वो कीबोर्ड नॉर्मली नहीं मिलेगा, उसको भी सिंपल कीबोर्ड में ही करना पड़ेगा, फिर वो डिमांड देगा, फिर एक अलग से कॉस्ट बर्डन होगा ना। कई लोगों की आता है प्रॉब्लम हमारे पास, बोलते हैं सर वो बैंक नहीं दे रही है, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो हम ये बोलते हैं भाई रिक्वेस्ट करो, मांगो और क्या हो सकता है। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है उनके साथ भी, कोई जॉब नहीं दे रहा है, कोई कुछ नहीं दे रहा है। तो और ये भी आपको देखना चाहिए कि फ्री सोर्स क्या अवेलेबल है ना, फ्री सोर्स क्या अवेलेबल है, ये भी आपको देखना जरूरी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर आप इवेल्युएट करते हो और सजेस्ट करते हो तो आई थिंक एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है। अल्टीमेट मकसद यही होना चाहिए कि इंक्लूसिवनेस की ओर जाएं, और जब इंक्लूसिवनेस में काम करें, जब इंक्लूसिव एनवायरनमेंट का में काम करें तो ज्यादातर सामान उसे कॉमन चीजें मिले, इस तरह से ट्रेन करना चाहिए या सजेस्ट करना चाहिए। ओके सर, सर ये क्वेश्चन है कि सर जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है सर उसमें तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो जाएगा, लेकिन सर जो ओरिएंटेशन टू कंप्यूटर है सर इसमें क्या होना चाहिए? देखो ओरिएंटेशन टू कंप्यूटर में तो वही है कि मान लो आपको कंप्यूटर वो सब दिखा दिया कि ये हार्डवेयर होता है, ये सॉफ्टवेयर है, ये सब वही ओरिएंटेशन है, मतलब जो हमने पढ़ाया है ना। आप ओरिएंटेशन मीन्स कंप्यूटर का ओरिएंटेशन करना, जैसे मान लो आपको बोलते हैं लाइब्रेरी का ओरिएंटेशन करना है तो आप लाइब्रेरी में आपको विजिट कराया जाता है ना, उसी प्रकार से दिखाया जाता है कि यहाँ बुक है, इस तरह के बुक है, ये बुक अवेलेबल है, वो बताया जाता है सब कुछ। उसी प्रकार से वो भी है, आपको एक मान लो सामने कंप्यूटर है तो कौन सा आपका हार्डवेयर है, कौन सा आपका सीपीयू है, उसमें सीडी ड्राइव कहाँ होता है ना, मॉनिटर कौन सा है, माउस कौन सा है, कीबोर्ड कौन सा है, वो सब चीजें हैं, बाकी कुछ नहीं है। वही सब चीजें जो उसमें मतलब एक तरह से भ्रमण कराना है उन डिवाइसेस में दिखाना आपको, वही ओरिएंटेशन है। ये सब चीजें तो हम मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ चुके हैं, उसी से आप निकाल सकते हैं छोटी छोटी चीजें। बस ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज होता है, कीबोर्ड है ना, जैसा कीबोर्ड ओरिएंटेशन एक है इसमें टॉपिक कीबोर्ड ओरिएंटेशन, तो कीबोर्ड ओरिएंटेशन में क्या होगा, कीबोर्ड कैसे चलाना है वो सिखाया जाएगा ना, कौन सा की कहाँ है वो सिखाया जाएगा कीबोर्ड ओरिएंटेशन में।
यानी कि सर ओरिएंटेशन टू कंप्यूटर में हम लोग जो कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है उसमें कैसे क्या होता है उसके पार्ट्स इन सब के बारे में लिखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर, थैंक यू सर। ओके वेलकम सर।